आम आदमी पार्टी की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने आपको चंदा देने वाली कंपनियों पर दर्ज किया है केस। विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की मान्यता को रद्द करने की मांग की है। आप नेता कुमार विश्वास पर आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर विकास योगी का हमला। विकास का दावा पार्टी में फूट डालने की साजिश रच रहे हैं कुमार विश्वास। कुमार विश्वास के नाम विकास योगी ने लिखी खुली चिट्ठी। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को अधूरी रिपोर्ट के कारण फिर से रिपोर्ट देने के आदेश सरकार ने दिए। पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार की कार्रवाई पर ब्लॉग लिखा। कपिल ने केजरीवाल सरकार से खुद पर लगे आरोपों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। आप में बढ़ा आशीष खेतान का कद। खेतान को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एडवाइजर बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली में भी जगह जगह पर योगा दिवस मनाया गया। इस दरमियान भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने भी कनॉट प्लेस में योग किया। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी योग किया। इस दौरान वेंकैया नायडू और अरविंद केजरीवाल के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और केजरीवाल भी कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक दूसरे से मिलते नजर आए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में योग दिवस मनाया और लोगों से अपील की कि लोग भी योग करें। बीजेपी नेताओं ने भी योग दिवस के मौके पर योग किया। इस मौके पर बीजेपी के नेता मीनाक्षी लेखी ने भी योग किया और कहा कि फिट रहने के लिए योग बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी में किसानों ने शवासन किया। किसानों ने बाराबंकी में फैजाबाद हाईवे पर शवासन करके अपनी नाराजगी को जताया। सैकड़ों की तादाद में मौजूद किसानों ने हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया। इसके चलते मीलों लंबा जाम लग गया। सिर्फ छात्रों और एम्बुलेंस को हाईवे से गुजरने की इजाजत दी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक टीचर्स को मिलने वाली सुविधा के साथ ही परमानेंट करने की मांग को लेकर टीचर्स ने वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। दिल्ली के मादीपुर इलाके में 11 साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई। घायल बच्चा अस्पताल में एडमिट। मामूली सी बात पर पड़ोसी ने घटना को अंजाम दिया। घटना में सीसीटीवी फुटेज सामने आई। राजधानी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में एक पति ने पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर पत्नी को मौत की घाट उतार दिया। इस दौरान मां को बचाने आए बेटा भी घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी घर का दरवाजा बंद करके फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पति पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में एक बार फिर से विदेशी महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। घटना मेहरौली के छतरपुर इलाके की है, जहां पर उज़्बेकिस्तान के रहने वाली 26 साल की युवती के साथ 31 मार्च को रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के 2 महीने के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। पीड़िता के मुताबिक वो अपनी दोस्त से मुलाकात के लिए छतरपुर के एक फ्लैट में पहुंची थी, तभी उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया। दिल्ली के रोहड़ी के थाना विजय विहार इलाके के डीडीए के डिस्ट्रिक्ट पार्क में बने गहरे गड्ढे में डूबने से 11 साल के मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण गड्ढे में पानी भर गया था, जिसमें डूबने से बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद प्रशासन ने गड्ढे की तार बंदी की और मामले पर लीपापोती करने में जुट गया। बताया जा रहा है कि बच्चा पार्क में क्रिकेट खेलने गया था। खेलने के दरमियान उसका पैर फिसल गया और वो गड्ढे में गिर गया।